वेदव्यास जी के बेटे शुक्रदेव शादी नहीं करना चाहते थे। तब गृहस्थी की समझ लेने के लिए व्यास जी ने उनको राजा जनक के पास भेजा, क्योंकि राजा जनक बहुत विद्वान थे और उस समय जनक का वैवाहिक जीवन आदर्श था। गृहस्थ होने के बाद भी वे वैरागी स्वभाव के थे। पिता के कहने पर शुक्रदेव राजा जनक से मिलने पहुंच गए। रास्ते में वे सोच रहे थे कि एक राजा से मैं क्या बात करूंगा। कुछ समय बाद शुक्रदेव जनक के महल के द्वार पर पहुंच ही गए। वहां द्वारपाल ने शुक्रदेव को रोक लिया। जब शुक्रदेव ने कहा कि उन्हें राजा से मिलना है, तो द्वारपाल ने कहा कि पहले आपको हमारे प्रश्न के उत्तर देने होंगे, उसके बाद ही आप राजा से मिल सकते हैं। जनक के द्वारपाल बहुत विद्वान थे। उन्होंने शुक्रदेव से पूछा कि बताइए सुख और दुख क्या है। शुक्रदेव भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कि सुख और दुख को अलग अलग देखना नादानी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जीवन में सुख आएगा तो कभी दुख भी आएगा, इनका आना और जाना चलता रहेगा। सिर्फ देखने का नजरिया महत्वपूर्ण है। द्वारपाल ने दूसरा प्रश्न पूछा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कौन है। शुक्रदेव ने उत्तर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र वह स्वयं ही होता है। यह उत्तर सुनकर द्वारपाल ने कहा कि आप विद्वान हैं, आपके उत्तरों से मैं संतुष्ट हूं, आप राजा जनक से मिल सकते हैं। सीख: अपनी तैयारी पूरी गहराई के साथ करनी चाहिए। किसी ज्ञानी से मिलने के लिए हमारा आचरण भी उनके स्तर का ही होना चाहिए। जब आप किसी विद्वान के पास जाएंगे तो हर कदम आपको परीक्षा देनी होती है। आपको सभी परीक्षाओं में अपनी समझदारी दिखानी पड़ती है। इसके बाद वो राजा जनक के पास जाकर वह सुख प्राप्त कर लेते हैं अपने प्रश्नों के जवाब, और बाद में उनके पिता भी संतुष्ट हो जाते हैं और उनकी मुराद पूरी हो जाती है। प्रिय साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप किसी काम के लिए जाएं तो पहले आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। उस तैयारी के पूरी होने के बाद आपको अपनी तरक्की और अपनी मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और वो है कि शनि देव अस्त हो रहे हैं। इसका वैसे तो मैंने एक स्पेशल एपिसोड दिया है, लेकिन आप आज भी इसकी कुछ झलकियां जरूर देखेंगे। अब मैं चंद सेकंड आप लोगों को चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। आज 7 जनवरी गुरुवार है। आज रात को 11:57 तक नवमी और बाद में दशमी रहेगी। आज दोपहर में 3:45 तक चित्रा और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। आज भी ग्रहों से बनने वाले अधियोग उभयचरी और वाशी योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए किसी शुभ समय की तलाश में, तो वो आज भी आपको 2 बार मिलेगा। कल भी मिला था। सुबह 7-8 तक शुभ का चौकड़िया और शाम को 5-6 तक शुभ का चौकड़िया। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 1:30-3 तक जब राहु काल रहे तो शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करें। आज शनि दोपहर में 4:40 के बाद अस्त हो जाएंगे। प्रिय साथियों, घर में सुख शांति और धन स्थायी रूप से निवास करे मां लक्ष्मी, उसके लिए विशेष उपाय 6 राशि के बाद बताऊंगा, उसे नोट करना। आज के कार्यक्रम को शेयर करना आपके लिए शुभ रहेगा। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भगवान विष्णु जी को क्यों लगाते हैं गुड़ और चने का भोग। इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको अपने आप को बिजनेसमैन समझना है। प्रोजेक्ट, लाभ, एजेंडा, अपना फायदा, किसी और का नुकसान नहीं, इसके बारे में सोचना है, शुभ रहेगा। शनि 10th हाउस में जो कि पिता और कर्म का है वहां अस्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई शुभ समाचार मिलने की पूरी संभावना है। काम थोड़े स्लो चलेंगे, आपको स्पीड देनी पड़ेगी। वर्क प्लेस पर काम में मन जरूर लगेगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। बिजनेस में कुछ अच्छे लाभ होने की पूरी संभावना है। भाई बहनों, परिवार के इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के बीच किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आज बातचीत आगे बढ़ेगी, लाभ में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अपनी आर्थिक स्थिति को और सुधारने के लिए कुछ खास मैनेजमेंट अब आपको करने होंगे। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में प्यार, इष्ट और मोहब्बत, भरपूर विश्वास बढ़ेगा। आपके पेंडिंग काम आज पूरे होंगे। शनि अस्त होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सलाह दी जाती है कि बेकार गपशप से बचें और स्टडी पर अधिक ध्यान दें। लकी कलर ब्राउन, नंबर 1, शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, आपका दुश्मन कौन है? अज्ञात और ज्ञात दुश्मनों से सावधान रहिए। अपना और अपनों का सुरक्षा चक्र दुश्मनों से तैयार करिए, मजा जाएगा। शनि अब आपके
नाइन्थ हाउस जो कि भाग्य का है वहां पर अस्त होने वाले हैं। व्यवसायिक मोर्चे पर हालात शानदार रहेंगे। इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, इससे आपका मन खुश होगा। दिन अच्छा है, इसे और अच्छा बनाने के लिए उसे डिजाइन करें। वर्क प्लेस पर आपको किसी भी उपकरण जैसे दारदार हथियार, चाकू, कैंची, छुरा या आग और करंट, ऐसी चीजों से बहुत संभलना चाहिए। एक गलती आपसे नुकसान करवा सकती है। नौकरी में काम के सिलसिले में आपको कुछ नीरसता का अनुभव होगा क्योंकि आपके ऊपर काम ज्यादा है, कर नहीं पा रहे हैं, पर्सनल चीजों में उलझे हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें मैस हो जाएगी, इसे डिजाइन करिए। भौतिक सुखों पर रुचि ज्यादा मत लीजिए, आत्मिक सुख कितना मिला इस पर ध्यान दीजिए। स्टडी के सिलसिले में स्टूडेंट आज प्रशंसा के पात्र बनेंगे। शनि अस्त होने से आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे समय का आनंद लेंगे, लेकिन स्लो को स्पीड देना है। लकी कलर सिल्वर, नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, आज आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से काम बन जाना, इसके चांसेस ज्यादा है। शनि अब आपके 8th हाउस जो कि रिसर्च का है, एक्सीडेंट हमारी आयु का, यहाँ पर अस्त होकर विराजमान रहेंगे। जॉब में लगन से अपने काम को अंजाम देंगे। वर्क प्लेस पर सबऑर्डिनेट्स का सहयोग किसी तरह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। प्रोफेशनल मोर्चे पर कुछ मुद्दों को लेकर आप चिंता में रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप चिंतन करें, अपनी काबिलियत को पहचानें, अपने हुनर को पहचानें, मजा आ जाएगा। व्यापार में कुछ लाभ हासिल जरूर करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए एक्स्ट्रा एडवांस में काम करें। हाँ, मांसपेशियों में खिंचाव जरूर होगा, उसके लिए स्ट्रेचिंग करिए, आगे बढ़िए। आपका पूरा ध्यान परिवार पर केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी चिंतन की वजह से अनुभवी व्यक्ति से मिलकर अपनी मन की बात को शेयर करके खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लेंगे और समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में इमोशंस आज हावी ज्यादा रहेगा। पार्टनर का सहयोग लाभ देगा। शनि अस्त होने से आप त्वचा या पेट से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने वाले हैं। लकी कलर ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, आज आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनको कोई स्पिरिचुअलिटी वाली जगह पर लेके जाए, उनसे बहुत अच्छी बातें करिए, उनके लिए जो कर सकते हैं और अपने आशीर्वाद को पाने के लिए आप जो कर सकते हैं जरूर करिए। शनि अब आपके 7th हाउस जो कि पति पत्नी, लव पार्टनर बिजनेस का है, वहां अस्त होने वाले हैं। बिजनेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन वाला दिन है, पेंडिंग काम को निपटाइए। रिश्ते जो आपके खराब हो चुके हैं ग्राहकों के साथ, बिजनेस के किसी व्यापारियों के साथ, उसे सुधारने की कोशिश करिए। शारीरिक और भावनात्मक दुर्बलता और अशांति का सामना आपको करना पड़ेगा। नौकरी में किसी से मनभेद और मतभेद संभव है, इससे बचने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं में उलझने की बुरी संभावना है। आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती रहती है। अक्सर आप ये सोचते हैं कि मैं अगली बार ये गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी हो जाती, इससे बचिए। आप अनैतिक कार्यों के प्रति अट्रैक्ट होने वाले हैं। अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ प्यार, इश्क और सद्भावना बनाए रखिए, मजा आ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परेशानियां आने वाली है, असमंजस, कंफ्यूज की स्थिति में आने वाले हैं, इससे बचने के लिए एडवांस प्रिपरेशन करिए, मजा आ जाएगा। शनि अस्त होने से गाड़ी चलाते वक्त ध्यान दीजिए, यात्रा में चोट और अपने सामान के नुकसान की बुरी संभावना है, इस पर ध्यान दीजिए। लकी कलर रेड, नंबर 8 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, आज आपको एक अच्छा दोस्त बनना है, अच्छे दोस्त बनाने, दोस्तों के साथ बॉन्डिंग बेहतर करने, इस पर ध्यान दीजिए। शनि अब आपके कर्जे, ऋण यानी जो कर्ज होता है, डेब्ट होता है, वो दुश्मन और हमारी सेहत के घर 6th हाउस में अस्त होने वाले हैं। बिजनेस में सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, पहले से बेटर बॉन्डिंग बनेगी और जो पार्टनर है या जो भी हमारे बिजनेस के अंदर ग्राहक होते हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनेंगे। वर्क प्लेस पर काम करने का अच्छा माहौल बनाने से खुशी मिलेगी। नौकरी में आपको अपने बॉस से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लेनी चाहिए कि पेट मैं लगा रहा हूं, फल कोई और खा रहे हैं, काम मैं कर रहा हूं, मजे कोई और लेके जा रहे हैं। लोगों की तरक्की करिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी तरक्की जो हमारा अधिकार है उस पर बात करना शुभ रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएंगे। घर में भौतिक सुखों का आनंद जरूर लेंगे। आपको स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करेंगे। जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में क्रोध, आवेश आपको परेशान करेंगे, इसलिए आपको शांति और विनम्रता से बात करनी चाहिए। शनि अस्त होने से छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करने की सलाह दी जाती है। अपने काम पर फोकस करिए, मजा तब ही आएगा। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, धन को निवेश करना, पैसे से पैसा बनाना या फिर कोई जमीन जायदाद के खरीद फरोख्त में दिल और दिमाग के साथ धन लगाना शुभ रहेगा। शनि अब आपके संतान, एजुकेशन और लव पार्टनर के घर में 5th हाउस में अस्त होंगे। नौकरी के सिलसिले में
बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे और आपका आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में आपको सराहना जरूर मिलेगी। धन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगी। वर्क प्लेस पर आपके अनुकूल काम करने की संभावना रहेगी। दिन बड़ी समझदारी और स्मार्टनेस के साथ बनाएंगे। फैशन, पैशन, हॉबीज, कुछ ऐसा ही बगीचा तैयार करने का आपको भी शौक लग सकता है, करिएगा जरूर। शौक पूरे नहीं किए तो फिर क्या किया। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक अचीवमेंट वाला दिन है। आज आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके काम करने का अंदाज, खेलने और पढ़ाई करने का अंदाज निराला होगा। आप अपने जीवन साथी को लेकर थोड़ी चिंता में, प्यार, रोमांच और रोमांस का तड़का लगाइए, सब ठीक हो जाएगा। व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ के लोगों के बारे में बातचीत से बचिए। शनि अस्त होने से आपको अपने माँ बाबू जी का सहयोग जरूर मिलेगा, जिससे आपको अपने काम में मदद मिलेगी। लकी कलर येलो, नंबर 8 शुभ रहेगा। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि के बाद बात करते हैं। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी हुई है तो चिरकाल तक बनी रहे, नहीं है तो प्राप्त हो जाए। इसके लिए आज एक विशेष उपाय करना चाहिए। पहली बात तो घर से निकलते समय हल्दी या अष्टगंध का तिलक कंठ और ललाट पर जरूर करें। केसर और हल्दी का टुकड़ा अपने पर्स में रखें। घर में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अक्सर हम अनदेखा करते हैं, लेकिन वही चीजें पारिवारिक सदस्यों के लिए नुकसान और परेशानी का कारण बनती है। इसको दूर करने के लिए गमलों में से पीले पत्ते और सूखे पत्ते तोड़कर फेंक दें। घर की छत पर कबाड़ या अंडरग्राउंड में कोई बेकार का सामान हो तो उससे आपको तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। कबाड़ी को दे दें या किसी को जरूरतमंद को डोनेट कर दें। शाम के समय विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाएं या अपने ही मंदिर में उनको पीले पुष्पों के माला अर्पित करें और 5 बेसन के लड्डू का भोग लगाकर 5 लड्डू छोटे बच्चों को खिलाएं। और शाम के समय गाय के हरे चारे की व्यवस्था करिए, मजा जाएगा। तुला राशि, आज आपका आत्मसम्मान, विश्वास, काम करने का अंदाज, सेल्फ असेसमेंट से कुछ इनोवेटिव आइडियाज आएंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद से आपका और आपके अपनों का दिन बन जाएगा। शनि अब आपके 4th हाउस जो कि माता जी का ओन व्हीकल, ओन प्रॉपर्टी, सुख का है, 5 होने वाले हैं। इसलिए चारों चीजों में स्पीड आपको देनी चाहिए। व्यापार के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। ख्याल बड़ा अच्छा है लेकिन कैसे, इस पर आज ध्यान दीजिए, मजा आ जाएगा। वर्क प्लेस पर ज्ञान और कौशल के लिए तारीफ सुनने को मिल सकती है। अपनी कौशल, अपनी स्किल से काम करने का मौका मिलेगा। नौकरी बदलने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको खुद रखना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत सारी चीजें किसी को सौंप सकते हैं लेकिन अपनी जो हेल्थ है उसे तो नहीं सौंप सकते। आपको परेशानी आ सकती है फाइनेंस को लेकर। करियर के मुद्दे पर किसी लोगों से या किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिक्का टिप्पणी करने से तकलीफ आ सकती है, इससे बचिए। आपको पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के कारण आज लाभ मिल सकता है, फाइनेंशियली भी और वर्क वाइज भी, लेकिन जरा सलीके से क्योंकि एक गलती आपकी इमेज को खराब कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध, कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाएंगे। सुखी प्रेम जीवन के लिए संतुष्ट रहेंगे। शनि अस्त होने से आप अपने भाई बहनों और माँ के साथ बहस मत करिएगा, ऐसा होने वाला है। लकी कलर ग्रीन, नंबर 9 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, किसी से लड़ाई झगड़ा होगी, कानूनी विवाद है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, किसी को लेकर, पैसे को लेकर, बातचीत को लेकर तल्खी है, उसे आज सुलझाने के लिए शुभ दिन है। शनि अब आपके भाई बहन, करेज, एंथुसियाज्म 3rd हाउस में विराजमान होकर, विराजमान तो वैसे ही लेकिन अस्त हो जाएंगे। बिजनेस में दिन कुछ नया करने का नहीं है बल्कि नए तरीके से पेंडिंग काम को निपटाने का है। वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में आपको मिले जुले नतीजे हासिल होंगे, इसलिए आज कोई जोखिम ना लें, कोई एडवेंचर ना करें। नौकरी में खुद के ही अनैतिक कार्य, जब हमने किसी की मदद करने की ठानी थी और नहीं कर दिया, हमने किसी को झूठे तसल्ली दे दी, झूठे वादे कर दी जो नहीं निभा पाए, इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक और शारीरिक पीड़ा का अनुभव होने की पूरी संभावना है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्यार और सद्भावना दिखाए रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में संघर्ष की थोड़ी संभावना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आप लोग सफलता पाने के नुस्खे हासिल करने वाले, मुश्किल जरूर है लेकिन आज का दिन स्पिरिचुअलिटी के साथ शुरू करिएगा। आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अपने काम को आगे बढ़ाने की तरफ रहेगा। शनि अस्त होने से आपका स्टोमक, स्किन और आईज से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। लकी कलर ब्राउन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। धनु राशि, आज कुछ आमदनी बढ़ाने का दिन है। बढ़ी हुई आमदनी से तरक्की पाने का दिन है। शनि अब आपके 2nd हाउस में रहेंगे और वो अस्त होने वाले वहीं पर। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। बिजनेस में मेहनत अब रंग लेकर आएगी। कुछ मुद्दों के बारे में आज चिंता जरूर बढ़ेगी, हो सकता है अचानक धन लाभ हो जाए। नौकरी में टेंशन के माहौल में भी मस्त रहना कोई आपसे सीखे, मजा आ जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन बेहतरीन रहेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कुछ फाइनेंशियल गेन आगे बढ़ेंगे।
हाँ, फाइनेंस के बारे में बातचीत करते समय झगड़ा फसाद मत करिएगा, क्योंकि एक गलती आपको कहीं मुश्किल में डाल सकती है। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा देखते हुए माँ बाबू जी बड़े खुश होंगे और भोलेनाथ आशीर्वाद देंगे सोलक। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए मन चाह देने वाले वाला है, इसलिए जैसा दिल करता है वैसा करिए। बीच बीच में एंटरटेनमेंट, फैशन, पैशन, हॉबीज को अपनाकर निश्चित रूप से दिन शानदार बना देंगे। शनि का अस्त होने से आप फाइनेंशियल गेन प्राप्त करेंगे और पिता का सहयोग मिलेगा। पिता के लिए कुछ करने का मन करेगा, एटलीस्ट कुछ ना कर पाए तो पिता से झगड़ा फसाद और आइडियल उन्हें मानने की कोशिश करें, झगड़ा फसाद ना करें। लकी कलर पर्पल, नंबर 2 शुभ रहेंगे। मकर राशि, आज आप वर्कोहॉलिक बनने वाले, कर्मशील, कर्म का नशा रहेगा। शनि आपकी राशि में अस्त होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड में काम करना, स्मार्ट काम करना आपके लिए शुभ रहेगा। कारोबारी लोगों को कुछ अच्छे लाभ मिलने की पूरी संभावना है। वर्क प्लेस में दिन लाभदायक रहेगा और आप अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए एक बेहतर योजना बनाएंगे। कुछ डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट है, आप उनसे दूर रहें। लेकिन जॉब में कुछ बाधाएं आ सकती है, इसलिए बॉस से बातचीत आज ना करें अपने फायदे के लिए। स्वच्छता का ख्याल रखेंगे, कुछ सोशल काम करने का मन करेगा, लाभ मिलेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज एक एक्टिविटीज को शानदार बनाने का, अपने टीचर, कोच, मेंटोर से मिलकर आज आगे बढ़ने का दिन है। सेहत शानदार है, इसके मस्त रहकर काम करें। शनि अस्त होने से आपको अपने साथी परिवार के साथ छोटी बड़ी यात्राएं करने का अवसर मिलेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। लकी कलर रेड, नंबर 1 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, भाग्य चमकेगा क्योंकि आप कर्म जो शानदार करने वाले हैं। शनि अब आपके खर्चे, लीगल कॉम्प्लिकेशन, यात्रा यानी 12th हाउस में रहेंगे और वो भी अस्त। नौकरी में अच्छा काम कर सकेंगे क्योंकि आप मन चाहे काम कर रहे हैं, थोड़ा परिवर्तन आपके हिसाब से आप कर पाएंगे। व्यवसाय में कामकाज से जुड़ी हुई खबर आपको खुश कर देगी। दिन अच्छा है, इसलिए एक्स्ट्रा एडवांस में काम किए जा सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की अब आदत डाल दीजिए, जिससे आपको खुशी जरूर मिलेगी। घर परिवार को समय रहते समय देकर आप उनका दिल जीत लेंगे। परिवार के लोगों में प्रेम और उत्साह देखने को मिलेगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए शादी ब्याह कोई समारोह होने वाला है, उसके लिए यात्रा, कपड़े, वस्त्र, आभूषण की तैयारी आज करने वाले हैं। शादीशुदा है तो ससुराल, वरना अपने परिवार के लिए कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आज आपकी वजह से आने वाली है, ऐसा जरूर करेगा। संतान से सुख मिलेगा और आप खुद संतान है तो माँ बाबूजी से सुख पूरा मिलेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, रिलेशनशिप में आइडियल स्वभाव गड़बड़ कर देगा। सेहत में सुधार के लिए आज आपको योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज की सिर्फ बातें नहीं, कर्म शुरू कर देना चाहिए। शनि अस्त होने से बेहतर मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों से जुड़े, आप खुद एक अच्छे स्टूडेंट बने। किसी कोई भी उम्र है आपकी, कुछ सीखने का मादा पैदा करिए। लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। मीन राशि, जिंदगी में कई ऐसे मामले होते हैं जो अनसुलझे होते हैं, आज सुलझाइए। आज किसी का पक्ष मत लीजिए, निष्पक्ष रहकर राय दीजिए। शनि अब आपके इनकम और प्रॉफिट हाउस में विराजमान रहेंगे। जॉब में किसी से वैचारिक मनभेद और मतभेद हो सकता है। पर्सनल बातों पर टिक्का टिप्पणी करने से बचें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी ट्रेवल में, ध्यान रखिए। बिजनेस में मन नहीं लगेगा क्योंकि पैसा आ नहीं रहा, जिसको देना हम दे नहीं पा रहे, कमिटमेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं, किसी बात को लेकर परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ने वाला है, मन चाहे तरीके से अपना काम न कर पाने के कारण आप नाराज होंगे और हो सकता है आपने अपने काम को किसी को सौंप दिया और उसे ढंग से न किया हो, इससे बॉस आपको डांट लगाने वाले, इससे मैनेज करिए। परिवार में उग्र स्वभाव से ग्रस्त चिड़चिड़े रहेंगे, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालेंगे, नियंत्रण नहीं रखा तो अपनों से अपनत्व खो देंगे। सुख के नए साधन मत खोजिए, बस चीजों में सुख मत खोजिए, आत्मिक सुख पर ध्यान दीजिए। आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप आपकी एक गलती की वजह से परेशानी में आ सकता है। स्टूडेंट का दिल स्टडी में नहीं लगेगा और आज कहीं ना कहीं मन भटकाव आपका ज्यादा रहेगा। शनि अस्त होने के कारण आपको स्टोमक, गला, इसकी प्रॉब्लम रहेगी। जॉब और बिजनेस में लेबर की प्रॉब्लम रहेगी, स्किल्ड व्यक्ति की प्रॉब्लम रहेगी, तीन चीजों को मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इससे बैलेंस करिए। लकी कलर व्हाइट, नंबर 4 चुप रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भगवान विष्णु जी को क्यों लगाते हैं गुड़ और चने का भोग। देखिए, भगवान विष्णु संसार के पालन करता है, श्री हरि विष्णु को गुड़ और चने का भोग लगाकर पूजा विधि विधान से करना अति उत्तम माना जाता है। साथ ही गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं को दान करें जो मनोवांछित फलों की प्राप्ति देते हैं। एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए महर्षि नारद भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, तब श्री हरि विष्णु उन्हें उस ज्ञान के योग्य बनने के लिए कहते हैं। कठोर तपस्या करने के बाद भी
आत्मज्ञान की प्राप्ति न होने पर देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चले आते हैं। वहां भगवान विष्णु के मंदिर में बैठी एक वृद्ध महिला श्री हरि विष्णु को कुछ खिला रही थी। उत्सुकतावश देवर्षि नारद ने वृद्ध महिला से जानना चाहा कि आप भगवान विष्णु को क्या खिला रही हैं। तब वृद्ध महिला ने बताया कि वह भगवान विष्णु को गुड़ और चने का प्रसाद खिला रही है। तब नारद मुनि वहीं पर गुरुवार का उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के चने गुड़ का भोग लगाकर लोगों को प्रसाद स्वरूप बांटने लगे। एक दिन भगवान विष्णु उनके आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और नारद मुनि से कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है वही ज्ञान का अधिकारी होता है। प्रिय साथियों, अब आपको एक सवाल के साथ हमेशा की तरह आज भी छोड़े जाता हूं। बिना नहाए खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? इस पर आप रिसर्च करिए, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंत में दूंगा। प्रिय साथियों, मैं 8 और 9 तारीख को दिल्ली में रहूंगा। गुरुवार को शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में लाइव टेलीकास्ट से अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।